टाइम से हम जो है ना 8:44 को क्लोज करेंगे, 8:45 आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो किसी को प्रश्न है तो साहिब जी से। हाँ, मेरा मेरा प्रश्न है, मैं योगी बोल रही हूँ। महाराज साहब, मैंने सुना कि वचन आत्मा से निकलती है तो वो चेतन है, और राग द्वेष भी आत्मा में है तो वो भी चेतन है, तो वो मेरे समझ में नहीं आया। चेतन क्यों, आपने कहाँ सुना ऐसा? यहाँ कोई स्वाध्याय चला रहा है ना, उसने बोला कि वो चेतन है, तो वो मेरे से समझ में नहीं आया। तो मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। आपने नहीं बोला है, कोई किसी और ने बोला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, अब जो ऐसा है कि अगर हम उससे उत्पन्न हुआ या निकला या संबंध में आया तो ऐसा बोलने लगेंगे तो फिर क्या होगा, शरीर भी क्या हो जाएगा, आत्मा ही है ना, शरीर के अंदर तो आत्मा ही है, हाँ, फिर क्या होगा, कैसे होगा। या वो मेरी बात में बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लेती हूँ। सुनिए सुनिए, जब आत्मा अपनी तरह से वचन प्रयोग करती है, शब्द प्रयोग जो भी हो रहे हैं, इधर देखिए आप। हाँ, एक मिनट, अब ये जो है बोला जा रहा है, अब ये वचन है, अब इसके अंदर आपने ये देखा कि बोलने वाली जो भी अंदर जो है वो तो आत्मा ही है। अब आत्मा जब भी बोलेगी तब आत्मा को ये क्या है, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ने लिए और ये अब चल करके अपने ज्ञान के साथ इसको जोड़ेंगे। अब ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तब ये ज्ञान तरंगे बन गई। अब ये जब बाहर निकालेंगे सब, ये ज्ञान तरंगे जो भी है, जिस प्रकार से भी हम यहाँ से ये बोल करके बाहर निकाले, अब यहाँ पर आया, ये वचन हो गया। तो ये क्या है, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो थे, अब इसको जोड़कर आत्मा ने जब बाहर निकाल दिए, अब बाहर फेंक दिए, अब वो जड़ पुद्गल है, परमाणु है कि नहीं, यहां पर भी ये पुद्गल परमाणु थे तब ये वर्गणा बनी है, तो ये बाहर निकाल दिए तो ये जड़ है, तो जड़ पुद्गल परमाणु बोलेंगे आप इनको। अब यही मनोयोग से जब आत्मा ने बाहर निकाले तब यही यहां पर आकर के ये विचार बन गए। अब विचार भी फिर आत्मा ने बाहर दिए तो खाली वर्गणा बदली है, इसमें भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे, इसमें ये जो है ये सब मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु। मन पहले आत्मा ने अपने लिया, ले करके आत्मा ने अपने इस ज्ञान तरंगों के साथ जोड़ा, अब जा करके वो बाहर निकलेंगे। अब इधर से आकर के ये राग द्वेष है, अब यही ज्ञान आत्मा ने वापिस जो है ज्ञान तरंगों को आत्मा ने इधर बोना, अब यहां से लेकर के ये तरंगे निकाले, अब यहां से निकल करके ये विचार तरंग, इनके अंदर ज्ञान जरूर गया है, वचन में भी आत्मा का ज्ञान ही है, विचार में आत्मा का ज्ञान है, लेकिन अब ये ज्ञान किस में है, इन परमाणुओं की वर्गणा के साथ जोड़कर भेजा। अब ये तो लिए थे तब परमाणु ही है, ये भी परमाणु है, अब बिना इनके तो हो ही नहीं सकता है। कोई भी जीव भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं लेगा तो वो शब्द प्रयोग कर ही नहीं सकेगा, भाषा ही नहीं बोल सकेगा। वैसे यहां पर आप देखिए, कोई भी आत्मा जिसके पास मन पर्याप्ति है वो लेगा, तो वो वहां से मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगा, उसका मन पिंड बना लेगा, अब वो आत्मा के ज्ञान से या राग द्वेष से जिससे भी जुड़ेगा, अब वो यहां से लेकर के ये वेव्स, ये थॉट वेव्स है, ये थॉट वेव्स बाहर फेंकेगा तो इसमें क्या चल रहा है और इसमें क्या चल रहा है,
अब आप इसको चेतन कैसे कहना चाहिए, किस तरह से बोले साहब? या वो मेरी समझ में नहीं आया था, सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, सो मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ। पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर आत्मा तो चेतन के रूप में अंदर है, वो है ही है। आत्मा कोई चेतन रूप में बाहर जाकर वचन रूप में फैली नहीं है। अब ये वचन हमारे मुख से निकल करके तो पूरे चौदराज लोक में सब जगह फैल जाएंगे। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो आपके यूएस में वहां सुनाई देते हैं ना, तो हमारे वचन निकल करके तो एक आत्मा अपने शब्दों से चौदराज लोक में व्यापक हो गई, ये तो हम नहीं कह सकते। इतना तो चेतन आत्मा का कोई विस्तार नहीं बढ़ सकता है, ये बात हमको समझनी चाहिए बस। शुरू करें रेगुलर सेशन। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर अरुण विजय महाराज साहिब जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सभी गुरु भक्त जो यहाँ सम्मित है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको स्वागत करते हुए जय जिनेंद्र और प्रणाम। साहब जी गुरु वंदना की आज्ञा चाहते हैं। इच्छा मी क्षमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी ही आय मथैण वंदामी। इच्छा मी क्षमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी ही आय मथैण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामी खमा समणो वंदे ऊ चावणी जाय निस्सी ही आय मथैण वंदामी। इच्छा कारण संधि सब भगवन अभुठियो मी अभियंतर रायम खामे ऊ इच्छम खामे मी रायम जं किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये वयावच्चे आलावे सल्लावे उचासने समासने अंतरभाषाए उरीभाषाए जं किंची मज्ज विनय परिहिणम सुहम वा बाहरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस मिच्छामि दुखडम मत एण वंदामि। साहिब जी सुख सातामा। इच्छामी क्षमा समणो वंदे ऊ चावणी जाय निस्सीहियाय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वाण संदिसो इच्छम इच्छामी क्षमा समणो वंदे ऊ चावणी जाय निस्सीहियाय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वाणा लेशो इच्छम इच्छामी क्षमा समणो वंदे ऊ जावणी जाय निस्सीहियाय मथैण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायणा प्रसाद करावशो जी। सुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पजवा स्वामी मथैण वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पज्वा स्वामी मथैण वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पज्वा स्वामी मथैण वंदामि। सुख सदा भक्ति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एस पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणाशनं।
मंगलानं च सव्वे सिंपणमं भवै मंगलम् मंगलम् भगवान् वीरो जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्यामो वयम् जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर वंदे महाय सम्मावागं महावीरं महामुनि अमर नर राय मह्यं चरम तीर्थय रम्यमसदित सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाविष्टार्थदाय सर्वलब्धि निदान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानते मीरांधानम ज्ञानांजन शलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा आयुष्य कर्म का, अब कहाँ से कौन सा जीव कैसा आयुष्य बांधेगा और कैसे कोई भी आत्मा मनुष्य में पहुँचेगी। अब जो देवलोक के देवी देवता है अगर वो भी वहाँ बैठे मनुष्य गति का आयुष्य बांधे तो ही मनुष्य में आकर के जीवन जी सकते हैं। नरक गति के नारकी जीव भी कोई वहाँ से मनुष्य गति का आयुष्य बांधेंगे तो वो आकर के मनुष्य में जीवन जी सकेंगे। नंबर 3, तिर्यंच गति के पशु पक्षी में से भी कोई आकर के मनुष्य गति का आयुष्य बांधेगा तो वहाँ से यहाँ पर आकर के जीवन जी सकेंगे। नंबर 4, मनुष्य गति के भी मानव जो है वो अगर मनुष्य गति के आयुष्य बांधेंगे तो वो भी आकर के मनुष्य बन सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, रह सकते हैं, किसी के लिए कोई ना नहीं है सब। अब हम यहाँ पर ये देखना जरूरी, संसार में तो सब प्रकार के जीव है, सब प्रकार के जीवात्मा है, तो कौन कहाँ से कैसा आयुष्य बांध करके आएगा, कौन कैसी गति वहाँ से उपार्जन करके आएंगे, ये आपको ख्याल आना चाहिए। लास्ट टाइम में विजय भाई हमने क्या क्या समझा था? जी आपने यही बताया था कि जीव चारों गति में कैसे जाता और किस गति से कहाँ जा सकता है, और फिर आपने रीजन बताया था माया कपट छल चीटिंग दगा और विश्वासघात, ये रीजन्स तिर्यंच के हैं, और मूड मति ऐसे काफी बताया था, अर्थ ध्यान का भी आपने उल्लेख किया था, लेकिन ये सब डिटेल्स बताई थी मेरे आपको तिर्यंच गति के
रीजन बता दिए थे, ये मनुष्य तिर्यंच में इसीलिए जाता है, इसका मतलब रीजंस मेरे नोट्स में मैंने ऐसे लिखा था। और नरक का बता दिया है? नरक का नहीं बताया मेरे ख्याल से, मनुष्य का फिर बताया नहीं था, रिपीट ना हो इसके लिए। नहीं, हिंसा बताया था आपने, हिंसा नरक गामी, नरक के लिए हिंसा सबसे बड़ी। नरक का हो गया, मतलब तिर्यंच का भी हो गया, नरक का हो गया, आज दो मनुष्य और देवगति का ले रहे, ठीक है जी। अच्छा, वेरी गुड। हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं, अभी हमने क्या बताया, यहाँ पर आपने ये गति देखी है कि चारों गति में से लोग मनुष्य में आ सकते। हम ये यहाँ पर देख रहे हैं वो दो विषय आप अलग अलग कंसेप्ट से समझ लीजिए। ये बात हो रही है गति, और इधर ये है प्लस इसके साथ आयु। तो गति जो है वो नाम कर्म के अंदर एक डिवीजन है, और आयु जो है वो आयु कर्म ही अलग है। ये आयुष्य का कर्म अलग है, गति का नाम कर्म अलग है। तो पहले जो गति नक्की कर लेगा, उसके बाद उस गति में जा करके कितने बरस जीना है, ये डिवीजन आयुष्य कर्म। तो चारों गति में से बहुत से रोज देवी देवता रोज मर रहे हैं। स्वर्ग में से देवी देवता, वहां पर रोज उनकी मृत्यु है, एक नहीं दो नहीं लाखों की है। तो कहां जाएंगे? जिस देवी देवता ने मनुष्य का आयुष्य उपार्जन किया है, मनुष्य गति उपार्जन किए, वो यहां पर आकर के मनुष्य बनेंगे। अब जिसने तिर्यंच गति का किया वो देव तिर्यंच गति में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे। नरक में से भी बैठे हुए कोई मनुष्य गति का आयुष्य बांध करके आ सकते हैं, गति और आयुष्य। पशु पक्षी में से भी मनुष्य गति का कर्म पहले बांधे, फिर आयुष्य बांधे और यहां पर इतने बरस रहे। अब मनुष्य में से ही मनुष्य में आना है तो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब All the four directions are open for human being. लेकिन उसके लिए वैसा कर्म बांधना जरूरी है सर। तो कौन बांधेंगे? अब जो जीव क्या करेंगे तब जाकर के मनुष्य गति का आयुष्य बनेगा सर। तो उसके लिए हमको बहुत से अच्छे सिम्टम शास्त्र में दिए गए हैं कि अब वो मनुष्य गति योग्य कर्म बांधने के लिए अब उसके जीवन में ऐसे जीवों को सबसे पहले जो है मेन चीज क्या चाहिए कि सबसे पहले आरंभ समारंभ बहुत अल्प हो। कोई भी हिंसा होती है, प्रवृत्ति होती है, जीव हिंसा होती है, खेती एग्रीकल्चर करते हैं या दूसरा भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो उसके आरंभ समारंभ की प्रवृत्ति बहुत कम, अल्प आरंभ समारंभ, अल्प परिग्रह। बहुत दुनिया भर का संग्रह करके रखा है, अति संग्रह करके रखा है, फिर उसको मनुष्य गति नहीं मिल सकती। पाप प्रवृत्ति भी अल्प प्रमाण है, अल्प प्रमाण इसलिए है कि भी जीवन जीना है इसलिए इतनी तो पाप प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, इतनी तो होगी सा, क्योंकि जीवन जी रहा है, ऐसा जीवन जीना है उसको, तो इतने के बिना तो उसका नहीं चलने वाला। अल्प आरंभ समारंभ, आरंभ समारंभ में हिंसा है, लेकिन अब जैसे अल्प हम कहेंगे तो घर में रोटी तो खानी है, किचन तो चला नहीं है, हिंसा तो होगी, लेकिन वो कितनी होगी? अल्प होगी। कंपल्सरी जो है शरीर के लिए जितनी जरूरी अनिवार्यता है उसमें आप कितनी मर्यादा रख करके रहे हो, वो प्रमाण आपने देखा। परिग्रह संग्रह कितना होगा? देयर मस्ट बी सम लिमिटेशन। तो वो हमको पहले ये देखना है, समझे कि नहीं। फिर इसके लिए इसके साथ में इसके गुणों का, जीवन में जो गुणों का आचरण प्रमाण होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। पहला गुण है विनय गुण, नम्रता का गुण,
विनय गुण का सबसे बड़ा अच्छा फायदा है कि उसके जीवन में से क्लेश कसाए घट जाते हैं, विनय विवेक आ जाता है, नम्रता पोलाइटनेस हम्बलनेस बहुत अच्छा गुण है, वो बेसिक सब गुणों का बेस है। और बिल्कुल अपोजिट बात करो तो जिसमें कोई भी नहीं विवेक नहीं है उसमें राग द्वेष और क्लेश कसा ही भरे रहते। महावीर स्वामी भगवान ने अपनी लास्ट अंतिम देशना के अंदर उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र में सबसे पहले विनय गुण की बात की, बेसिक फंडामेंटल चीज के उसके जीवन में पहला विनय गुण आचार विचार में आ जाए, नम्रता आ जाए, मृदुता आ जाए, तो निश्चित रूप से उसके राग द्वेष क्लेश कसाय बहुत घट जाते हैं। और राग द्वेष क्लेश कसाय की तीव्रता रहेगी तो वो या तो नरक गति का बांधे या त्रियंत गति का बांधे। ऐसे जीव हैं कलह प्रिय होते हैं, कसाय की वृत्ति परिणति वाले होते हैं, उनको हमेशा ही अपने से अपने जीवन में राग द्वेष और क्लेश कसाय रहे। वो अपने से बड़े हो या अपने से उपकारी हो या अपने कुछ भी हो, लेकिन उनके प्रति उनकी विनय विनय विवेक नम्रता कुछ भी नहीं रहती है, वो क्लेश कसाय में ही जीते हैं। आखिर जीवों को कर्म बांधना है तो प्रवृत्ति और परिणति तो साथ में रहेगी, तभी तो बांधेंगे, नहीं तो कैसे बांधेंगे। तो जो जिसको जिस तरह से कर्म बांधने हैं तो सबसे पहले विनय विवेक उसको बताया है, स्वभाव की सौम्यता, स्वभाव में शांति, स्वभाव में नम्रता, ये बहुत अच्छी बात उसके अंदर आनी चाहिए सर। अब उसके साथ में सरलता आ जाए। आपने देखा अभी लिखा था विजय भाई, जिसके अंदर जो है खास करके माया कपट छल कपट आता है वो फिर तिर्यंत गति का कर्म मानता है। ऐसे लोग जिसके जीवन के अंदर सरलता नहीं रहेगी सर तो वो फिर माया कपट करेंगे ही करेंगे, राग द्वेष करना ही पड़ेगा, बात बनानी पड़ती है, झूठ बनाना पड़ता है, सत्य बनाना नहीं पड़ता है, सत्य द ट्रूथ इज ऑलवेज नेचुरल, सहज भाव में निकले वो है सत्य, सत्य सहज होता है स्वाभाविक होता है, असत्य बनाना पड़ता है, झूठ को बनाना पड़ता है तभी बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ऐसी स्थिति के अंदर जो सरल स्वभावी आत्मा होंगे जिनको कोई इतनी माया कपट छल कपट ठग विद्या वगैरह नहीं आती है सर, वो जो है आत्मा सीधी सरलता से मनुष्य गति का आयुष्य उपार्जन कर सकते हैं। बड़ी विशेषता जुड़ी है इसके साथ। अब जिनके क्रोध मान माया लोग चारों कसाय प्रमाण में बिल्कुल कम है, सर्वथा नहीं है ऐसी बात तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, संज्वलन कक्षा के जो कसाय है बहुत कम कसाय है, वो मनुष्य गति का आयुष्य अच्छा बांध सकते। अब कई लोग राग द्वेष की वृत्ति क्लेश कसाय की तीव्रता लेकर लंबे टाइम तक जीवन जीते हैं, वो तो ऊपर से अपना बिगाड़ते हैं ना, अपना जीवन बिगाड़ेंगे, अपना भव बिगाड़ेंगे, बहुत कुछ उनका नुकसान वो करने वाले, तो कसाय जो है उसको एकदम बिल्कुल कम हो जाए क्योंकि उसको अच्छी गति। याद रखिए ये दोनों ऊपर की जो बताई हुई है यहां से ऊपर की, ये दोनों उसके लिए सदगति है, देव गति भी सदगति है, मनुष्य गति भी सदगति है सर, तो दोनों एक शुभ गति है। और ऐसी शुभ गति उपार्जन करने के लिए उसके जीवन में वैसे ही शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति होनी जरूरी है, और वो कब होगे, कसाय घटेंगे तब होगा, क्लेश कसाय नहीं घटेंगे तो फिर कैसे होगा सब, इसलिए बहुत जरूरी हो गई सब। तो अल्प कसाय हो वैसे जीव, अब दूसरी बात की उसको हमेशा दान रुचि हो, दान का पुण्य करने वाला, ये पहला धर्म है, दया दान तो आना जरूरी है सर। तो ये अगर नहीं आएगा तो फिर कैसे उपार्जन करेगा वो? तो पहली बात ये बताई कि दया दान का गुण उसमें हो, दयालु हो, दानवीर हो, ये पहला उसके जीवन में आना। भले बहुत बड़ा दान ना करे वो बात अलग है,
ज्यादा दान भी करे हो जाएगा, बड़ा पुण्य हो जाएगा तो स्वर्ग की देवगति उपार्जन करे। लेकिन पहले प्राथमिकता के अंदर दया दान बहुत अनिवार्य। अब इसी तरह से आगे बढ़े, क्योंकि वो दान करेगा तो पुण्य उपार्जन करेगा। ध्यान रखिए, संवर करना, निद्रा करनी, वो अलग प्रक्रिया है। संवर में पुण्य नहीं है, संवर तो आते वाले नए पाप कर्मों को रोकना संवर है। और निद्रा के अंदर तो पुराने अंदर जो संचित पड़े हुए बंधे हुए उसको निकालना, क्षय करना, वो संवर निद्रा है। लेकिन ये तो मेरिट के रूप में, आत्मा के साथ में, पुण्य के रूप में साथ में रहने वाले, तो ये पुण्य कर्म है। पुण्य उपार्जन कराएगा तो देवगति मनुष्य गति, 50% का भी पुण्य होगा तो मनुष्य गति, 80-90-100% का शुभ पुण्य प्लस एक्सेस होगा तो देवगति में भी टॉप लेवल है, वो फायदा है। तो उसके बिना तो चलने वाला नहीं है था, ये लक्ष्य तो देखना ही पड़ेगा सर। तो यहाँ पर जो है दान आदि करके उसको शुभ पुण्य उपार्जन करना है, दया भाव ला करके भी उसको जीवों के प्रति करुणा लाना है। अब इन गुणों के अंदर की विशेषता जो है, पहला भाव क्षमा भाव होना जरूरी है। बिना क्षमा भाव के क्रोध आदि कसाय नहीं घटेंगे ना, पहले ये ध्यान रखिए। अगर क्षमा का गुण नहीं आया, क्षमा गुण का धर्म नहीं आया, तो फिर वापिस राग द्वेष और क्रोध कसाय की तीव्रता बनी रहेगी, वो उसके जीवन में रहेंगे। तो ये कैसे घटे? कसाय आदि घटाना है तो जैसे इधर नम्रता बताया, विनय विवेक बताया, वैसे ही यहां पर जो है क्षमा का गुण तो अनिवार्य है जीवन में, क्षमा गुण। क्योंकि जैन धर्म का तो बेसिक फाउंडेशन मिच्छा में दुक्कड़म पर करा है, राग द्वेष कसाय वाला जीवन नहीं है, वो तो अधर्म की प्रवृत्ति वाला है। और जीव के अंदर गुण के स्वरूप में ये अनिवार्य होता है सब, ऐसी स्थिति के अंदर क्षमा गुण आ जाता है। अब आया मृदुता का गुण, सौम्यता है, जीवन में शांति है, पोलाइटनेस है, आपके अंदर वो मृदुता अगर अच्छे प्रमाण में रहेगी तो ही जा करके आप जो है इन गुणों के आधार पर ही हमको शुभ पुण्य कर्म उपार्जन करने का मौका मिलेगा। कसाय वृत्ति वाले जो है, कसायों की तीव्रता वाले के लिए तो मनुष्य गति भी नहीं है, देव गति भी नहीं है, दोनों के दरवाजे उनके लिए तो बंद हो ही जाते हैं, ये तो बात निश्चित ही है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये क्षमा आदि भाव बढ़ जाए, मृदुता का अच्छा गुण बढ़ जाए सब, और फिर परमात्मा की भक्ति करने वाला, जिन गुण उपासना, परमात्मा के धर्म की आराधना उसके जीवन में बनी रहे तो काम आएगा। धर्म तो बहुत जरूरी हो गया ना, धर्म आचरणा में आए, धर्म जीवन की वृत्ति में रहे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक। ऐसा धर्म अगर जीवन में आ जाता है, अब ये जीव जो है, अब वो भले परमात्मा के दर्शन करे, पूजा करे, भक्ति करे, जप करे, साधना करे, करे या करावे दूसरों को, तीर्थ यात्रा कराते हैं या पुण्य उपार्जन करने के लिए लोग जिनालय मंदिर प्रासाद निर्माण कराते हैं, धर्मस्थान बनाते हैं, वो जानते हैं कि भाई मैंने अपने द्रव्य से पैसे से बनाया, मेरा आयुष्य तो 100 साल का है, लेकिन एक मंदिर बनाऊंगा तो 1000 साल रहेगा, 1000 साल तक कितने लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, वो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की भक्ति पूजा करेंगे। जो आएंगे मंदिर में आके क्या करेंगे, अपना पाप धोने के लिए आते हैं ना, परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने पाप कर्मों को धोने की बुद्धि से आएंगे, तो वो ये सोचता है कि मेरे को तो 1000 साल तक ये मंदिर रहेगा, उसका पुण्य कितना मिलेगा। ऐसे निमित्त जो है वो लोग कर देखते हैं अपने आप में। तो ये विशेषता है कि आप जिस तरह से भी करो, आपने स्कूल बनाई तो वो सोचता है कि चलो मैंने बनाई मेरे नाम से, लेकिन हजारों बच्चे आकर के पढ़ेंगे, उनका जीवन भविष्य बनेगा ना,
तो ये विशेषता उनके साथ जो जुड़ती है ये फायदा है, वो समझते हैं। इसी तरह से जो भी हम ये करते हैं तो पुण्य उपार्जन के लिए भी, जैसे स्थाई कक्षा के पुण्य, क्या लायक है, एक तो टेम्पररी होता है कि भूखे प्यासों को हमने खिला दिया पिला दिया, कोई गरीबों को देते हैं, क्या लायक नहीं, कोई जो है गाय को खिलाते हैं, कोई पशु पक्षियों को खिलाते हैं, कोई कबूतर को चना डालते हैं, कोई डॉग को रोटी खिलाते हैं, वो भी हमारे आधार पर ही जीवन जी रहे ना, उनके लिए क्या है, वो बेचारे पशु पक्षी है तो उनका जीवन आधार तो हमारा ही है, हमारे जीवन आधार पर जीवन जी रहे सब, तो बहुत अनिवार्यता आ गई सब। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है पुण्य उपार्जन करने की एक वृत्ति, क्योंकि आखिर आत्मा यहाँ जीव शरीर छोड़ दे, अब उसको उस कक्षा तक पहुंचाने वाला, ले जाने वाला कौन है, और इतने लंबे काल तक वहां सुखी रखने वाला कौन है। आज भी अगर आप लोग एक सर्वे रिपोर्ट देखिए जर्नलिस्टों का, न्यूज के अंदर जो जर्नलिस्टों का सर्वे रिपोर्ट जो आता है, नाउ इट इज एट प्रेजेंट देर आर द 850 crores पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट नियर अबाउट 1 crore और 1.5 crore पीपल्स आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फूड फॉर एवरी डे, बट इन दिस वर्ल्ड नियर अबाउट द 1 crore पीपल, दोज हु आर थ्रोइंग एक्स्ट्रा फूड एवरी डे, कई लोग जो है वो एक्स्ट्रा फूड रोज का फेंक देते हैं, और कई लोग जो है खाने को भी नहीं मिल पाता है, तो ये क्या है, किसके कारण है, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, सोचिए, कोई छोटा फिगर नहीं है, कितना बड़ा फिगर हो गया, 1 से 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन जिनको खाना नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। अब उनका भी तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के साथ में अशुभ का उदय भी है कि क्या कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है कि लोग को खाना ही नहीं मिलता है। बट अनदर साइड द 1 crore पीपल्स आर दैट टाइप रोज एवरी डे दे आर थ्रोइंग द फूड, यू सी एक्सेस फूड, थोड़ा सा खाया झूठा कर दिया और फेंक दिया, अब वो जाए कुछ गटर में जाए, किधर भी जाए, कुछ भी, आप लोग भी देखते हो, लोग दोस्त आर गोइंग इन द मैरिज रिसेप्शन एंड अदर वेयर, यू सी लोग थोड़ा सा खाते हैं और झूठा कितना फेंक देते हैं। आप जाकर के किसी को खिलाएंगे उसके पेट में जाएगा तो पुण्य बन देगा, आपने फेंक दिया तो वो भी पाप है, फेंकने से पुण्य नहीं बनता है, आपका खिलाने से किसी के पेट में जाए, किसी की भूख प्यास मिटे, तब वो पुण्य है, नहीं तो नहीं। तो जब एक्सेस पुण्य उपार्जन करेंगे तो वो आत्मा को गति में ले जाएगा ना, मनुष्य गति नहीं तो कहाँ से आएगी, सोचिए। हम ये जानते हैं कि जैसा हमारा जीवन जो चल रहा है, अब ये जीवन जो चल रहा है, हमको तो एक दिन आयुष्य पूरा होते शरीर तो छोड़ देना पड़ेगा, ये हमारा जीवन काल चल रहा है, और यहाँ से हम जो है ये जन्म लेकर के जीवन जीते जीते आए। अब ये जो हमारा जीवन चल रहा है, अब ये लास्ट डे ऑफ द मृत्यु, अब यहाँ पर आपको मृत्यु आने ही वाली है, तो यहाँ पर शरीर छूट गया, ये आत्मा बाहर निकल गई। अब ये जो आत्मा बाहर निकली है, ये इसके साथ में इसके शुभ अशुभ कर्म जो भी बांधे हुए हैं वो इसके साथ में, अब ये इसके साथ में दोनों कर्म है, तो पर्टिकुलरली ये जो है ये गति नाम कर्म है, तो जैसे ही आत्मा बाहर निकली है, अब इसको यहाँ किस गति में जाना है, गतियां चारों हैं, तो चारों में से आपको किस गति में जाना है, ये पर्टिकुलर ये गति नाम कर्म विल डिसाइड द डायरेक्शन इन वेयर यू वांट टू गो। आत्मा है, लेकिन आत्मा को ले जाने वाला पर्टिकुलर कर्म,
तो ये कर्म जो पर्टिकुलर है इसने आपको ले जाकर के मनुष्य गति में यहाँ जन्म दे दिया साहब, आप पहुंचा दिया। अब वहां पहुंचाने के बाद आपको कितना रहना है, कितने वर्षों तक रहेंगे, तो वो जो है वो आयुष्य कर्म ये है कि ये आयुष्य कर्म मनुष्य गति में जाने के बाद 100 बरस जिएगा, 80 बरस जिएगा, 60 बरस 50 40 ओनली 10 ईयर्स, ओनली 2 ईयर्स, ओनली 1 ईयर्स, ओनली 2 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, तो ये सब डिसीजन किसका है, उस आयुष्य कर्म का है। लेकिन पहले तो जीव शरीर छोड़कर बाहर निकल गया, अब शरीर से बाहर निकलने के बाद तो तुरंत उसको किस गति में जाना, हु विल डिसाइड द गति, तो उसके लिए स्पेशल गति नाम कर्म है, अब उसका डिसीजन है। अब वो गति आपको ले जाएगी, कर्म आपका जो है गति नाम कर्म वहां पहुंचा देगा। अब वहां जाने के बाद आप कितने बरस जियोगे, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर आयुष्य कर्म। लेकिन वो आयुष्य यहां पर जीव को उपार्जन करना पड़ेगा, यहां तक जा करके आपको आयुष्य कर्म बांधना पड़ेगा, यहां उसके पहले गति नाम कर्म उपार्जन करना पड़ेगा, ये यहां से लेके जाएंगे। अब ये तो रनिंग आयुष्य है, वो पूरा करेगा, ये कर्म दोनों साथ में सेट हो गए, अब वो कर्म बरोबर आपको ले जाएंगे। तो एक गति कर्म चार में से जहां जिस तरह से बांधा है वहां, और आयुष्य कर्म वहां जाने के बाद कितने वर्षों तक जियोगे। तो यहाँ जो मनुष्य कर्म बांध रहा है उसके अंदर ये बताया, विनय होना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सरलता जीवन में होनी चाहिए। ये नहीं रहेंगे तो अपोजिट साइड में राग द्वेष और क्लेश कसाई की वृत्ति रहेगी, तो वो कर्म बन जाएगा, वो तो फिर उसका काम ही वो है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप जो है जिनेश्वर परमात्मा का धर्म जीवन में आया, पुण्य उपार्जन करने वाले, तो संसार के अंदर आप देख लीजिए एवरी डे पुण्य उपार्जन करने वाले संसार के 10% भी लोग नहीं है। 850 करोड़ के पॉपुलेशन में 10% कितना हो रहा है, उतने भी पुण्य उपार्जन करने वाले नहीं। तो मनुष्य गति में जाने वाले तो संसार के चक्र में से 10% भी मनुष्य में जाने वाले नहीं मिलेंगे। फिर वहां जाकर के 100 बरस का अपना आयुष्य पूरा करने वाले भी 10% नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए ना, The maximum people are dying in the what type of age? आज की तारीख में सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं क्रोर्स, 2-3-4 crores abortion हो रहे हैं, that means use big figure, all over world का जो figure आ रहा है वो कितना 4-5 crore से भी ज्यादा बच्चों का abortion हो रहा है। अब वो जीव मनुष्य गति में तो आया, अब जो आयुष्य लेकर आया होगा, लेकिन 1-1.5-2 महीने में तो एबोर्शन होकर के वो मर के जा रहा है। अब ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे जो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कारण लाखों करोड़ों मर रहे हैं। कोई 2-4-5 साल की उम्र में मर रहा है, 10 साल की उम्र में मर रहा है, सब मर रहे हैं। आज आप जाइए अफगानिस्तान में जाइए, आज क्या परिस्थिति है ये देखिए, समझे कि नहीं, पूरे कई दुनिया के देशों में ये परिस्थितियां हैं। तो क्या समझना चाहिए, अब वो जीव आए तो है ना, मनुष्य गति में ही तो आए, मनुष्य गति में जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन जीवन नहीं जी पा रहे। गति में लाने वाला गति नाम कर्म था, उसने तो ला करके छोड़ दिया, भाई साहब मैंने आपको पहुंचा दिया। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द टैक्सी, रिक्शा, ट्रेन, प्लेन, व्हाट इज दैट? ट्रेन का काम क्या है, रिक्शा का, टैक्सी का काम क्या है, आपकी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दिया, अब आपको टैक्सी छोड़ करके आगे जाना है। तो ये गति नाम कर्म जो है वो टैक्सी के जैसा है कि वो आपको वहां पर पहुंचा तो देता है,
अब आप जो है आयुष्य कर्म के आधार पर अपना जितना जीवन जीना है आप इतने वर्षों तक जीवन जियो, उतने टाइम तक आपको जीवन जीना है तो पर्टिकुलर वो कर्म चाहिए, और वो आपको यहां मनुष्य गति में अगर आकर के जीवन जीना है तो मनुष्य गति का कर्म आपको उपार्जन करके वो आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। गति कर्म तो जैसे ही आपको पहुंचा दिया गति कर्म का काम पूरा हो गया, फिनिश। लेकिन आयुष्य कर्म का फिनिश नहीं होगा, आयुष्य कर्म जो आपका जीवन काल जो जितना पूरा चल रहा है ये लाइफ स्पान जो है वो आपका यहां से लास्ट तक आपके साथ में आयुष्य कर्म रहना चाहिए। अब जिसको मनुष्य गति का उच्च आयुष्य बांध है तो सबसे पहले तो उसके अंदर क्या है, न्याय प्रियता होनी चाहिए, न्याय नीति मतलब एथिक्स एंड मॉरल्स तो उसके ऊंचे होने चाहिए। वो किसी के कहने से किसी के प्रेशर में किसी के फोर्स में नहीं करे, कोई नहीं सिखा रहा है, स्वयं होकर के उसको करना है, ये विशेषता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके अंदर न्याय की विशेषता आ जाए, अन्याय प्रिय ना हो, खुद अन्याय करे नहीं, किसी को होता हुआ अन्याय सहन नहीं कर सकता है, दूसरों के न्याय दिलाने में वो अपना योगदान देता है, मेरे कारण किसी का ना बिगड़े, मैं किसी का नहीं बिगाड़ू, मैं अपनी तरफ से किसी को अन्याय नहीं करूंगा, वो अन्याय वृत्ति करने जाएगा फिर तेज गति में जाए या फिर नरक गति में। इधर न्याय हो नीतिमत्ता हो एथिक्स एंड मॉरल्स तो बेसिक उसके फंडामेंटल चीज है, वो उसके साथ में उसके गुणों में रहने बहुत जरूरी है सर। अब न्याय नीति की आवश्यकता एथिक्स एंड मॉरल्स की तो उसके थ्रू आउट लाइफ है। अब टुमारो वो कोई बिजनेस करे सर्विस करे दुनिया का कोई ना कोई काम करेगा तो उसकी लाइफ में एथिक्स एंड मॉरल तो कंपल्सरी वो बेसिक चीज के रूप में रहनी जरूरी है, गुण है जीवन के अंदर। अब विशेषता क्या है, जैना का पालन करने वाला मतलब जीव रक्षा का काम करने वाला, अपनी लाइफ में भी वो जैना पालेगा, जीव रक्षा करेगा, जीवों को बचाएगा, जीवों के प्रति उसकी दया करुणा बनी रहेगी, तब वो छोटे बड़े किसी भी जीवों को बचाने का प्रयत्न करेगा, ये उसके साथ जुड़ना चाहिए जैना धर्म। अब सोच लीजिए वो जब नम्रता से विनय आदि गुणों से संपन्न है तो साधु साध्वी के प्रति भी वो हमेशा सद्भाव वाला रहेगा, उसकी परिणति शुद्ध रहे, वो साधु साध्वियों के प्रति भी अपने सद्भाव पूज्य भाव रिस्पेक्ट रखेगा अहो भाव रखेगा गुण बना के, सर्वथा अपने गुण नष्ट नहीं कर रहे, गुण कभी भी आते हैं तो वो ऐसे ही सर्वथा नष्ट नहीं होता और गुणों से विपरीत भाव में जीवन नहीं जीता है, बस ये विशेषता रखिए तो फायदा होगा ना, समझे कि नहीं। अब वो कहते हैं भद्रिक परिणामी मतलब सरल स्वभावी सीधा साधा, चल कपट नहीं आती, परिणामों की भद्रिकता जो है वो बना के रखी है। बहुत अच्छी बात, लोग समझते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत सरल आत्मा है, ये बहुत सरल जीव है, ऐसे जब हम समझते हैं तब आपको विशेष रूप से ये ख्याल आएगा भद्रिक जीव जो होते हैं तो वो सरलता से कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से कैसा जीवन उनका चल रहा है, ये उनको विशेष रूप से दे तभी जाकर के समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो विशेषता आई है हमको ऐसी विशेषता समझ,
बद्रिकता हो, परिणामों के अंदर सुंदर व्यवस्था हो, तब वो जीव गुच्छा मनुष्य कक्षा का आयुष्य बांध सके। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ जेलसी। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के नेचर में कोई राग द्वेष की जेलसी ना हो, क्योंकि आप हमेशा ही देखते हो संसार के अंदर तो विदाउट जेलसी रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो लोग अपने तरफ से एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प करके चलते हैं कि नहीं, मुझे जेलसी नहीं करनी है। आगे बढ़िए थोड़ा सा, बाहर की निंदा, पराई निंदा ना करें, किसी का खराब नहीं बोलना है। मेरे पड़ोस में है कोई नेबर है, उसकी बेटी की शादी हो रही, तो मेरे को उसके लिए दो शब्द खराब नहीं बोलना है। मेरे पड़ोस में भी कोई है, क्या लाए मेरे दूर के कोई है, अगर किसी का मेरे साथ क्लेश का साय नहीं बनता है तो मैं उनका खराब नहीं बोलूं। बस स्वभाव का प्रश्न है कि नहीं बन रहा है, लेकिन मैं उनका अहित नहीं करूं, उनके साथ खराब ना बोलूं, गलत ना बोलूं, ये मेरा लक्ष्य। कितनी बड़ी बात है, नेचर नहीं बदलते लोगों के लाइफ पर। पराई निंदा ना करें, किसी के लिए खराब ना बोले, अपने विचारों को खराब ना करें। हो सभी संसार के अंदर सब प्रकार के लोग हैं, कोई अपने स्वभाव से कोई कैसे भी हो, कोई अपने स्वभाव से कैसे भी हो, लेकिन वो अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता है, किसी के प्रति खराब नहीं बोलना, और पराई निंदा तो भूल से नहीं करना। वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कुछ नहीं था। अब संसार में सब प्रकार के जीव है, सब प्रकार के हैं, मुझे अलिप्त रहना बहुत जरूरी है। परोपकारी जीवों की भावना, परोपकार परिणति, अन्य किसी जीवों के ऊपर उपकार करने की भावना हो, बहुत अच्छे उपकार से। अब जिसको जिस समय जो चाहिए, सबके कर्म एक सरी के नहीं है, सबके कर्म अलग अलग प्रकार के हैं। कोई संसार में अपने कर्म कैसे लेके आया, कोई संसार में अपने कर्म कैसे लेकर के आया है, क्योंकि महावीर स्वामी ने तो यही कहा है कि सबे जीवा कम्मवस, संसार के सभी जीव अपने अपने कर्म के अधीन है, अपने अपने किए हुए कर्मों के अधीन चल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? तो ये है कि हमको पहले परोपकार करना है, परोपकार के भाव परिणाम तो होने ही चाहिए। ऐसे जीव जो है, अब वो अपनी तरह से ऐसे कई गुण है, सैकड़ों गुण है, जिसको यहां पर आकर के मनुष्य गति का आयुष्य उपार्जन करना है, वो इस टाइम के अंदर ये जो उसका जीवन काल चले और उसके जीवन काल के अंदर ऐसे गुण और ऐसा आचरण, ऐसी प्रवृत्ति रहे, भले वो स्वर्ग का देवी देवता हो, वो भी अपनी तरह से मनुष्य गति में जाकर जीवन जिएगा, भले ही वो नरक में से कल जा रहा है तो निकल करके मनुष्य में जाकर अपना जीवन जिएगा, कोई यहाँ से चल करके कोई तिर्यक पशु पक्षी में से आ सकता है तो वो भी मनुष्य गति में आकर के जीवन जी सकता है, और जो आजकल मनुष्य लोग हैं वो कल चल करके मनुष्य में भी अपना जीवन जी सकते हैं। ये कर्म उपार्जन होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने के लिए अब लोगों के पास कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, कोई किस प्रकार से आए, तो ये सबको देखना है। अब हम नेक्स्ट बात आगे कर रहे हैं देव गति की, क्योंकि संसार में तो चारों ही गति है, देवी देवता भी बहुत है, अरे ख्याल है आपको। तो देव गति अलग है, ये आप देखिए, तो ये है देव गति, और इधर जिसको बोलते हैं वो है देवलोक। अब आ रहा है आपको ख्याल में, इधर देखिए आप, बोलिए साहब क्या डिफरेंस है दो के बीच में? नवीन भाई बोलो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू?
देव गति आत्मा की होती है और देवलोक जो स्थान है जगह है उसको कहते हैं। बोलो किसको मालूम है बिना बेन? देव गति मिलती है लेकिन कौन से देवलोक में मिलती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट देवलोक है, 12 देवलोक। हाँ जी सविता जी बोलिए। नहीं बाबू जी नहीं। चलो तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये देव गति है। अब इसके अंदर आप भवनपति, ये व्यंतर, ये ज्योतिषकर और ये वैमानिकर, अब आप किस गति में जाएंगे? और ये ज्योग्राफिकल प्लेस है, ये लोग जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, लेकिन सभी देवी देवता स्वर्ग में है ऐसा नहीं है ना, ख्याल है? तो ये गति की दृष्टि से है। अब आप इनको सबको साथ में देखेंगे, अब आपको ख्याल आएगा कि भाई देव लोक कितना बड़ा है। तो ये हम देखते हैं ऊपर का कि ये जो देव लोक है कहां तक कितना बड़ा है। तो ये जो आपको दिखाई देगा कि इतने बड़े देवलोक के अंदर, आप ये समझ जाइए कि जिस तरह से मनुष्य क्षेत्र तो इतना यहाँ पर है मनुष्य क्षेत्र, लेकिन ये मनुष्य क्षेत्र का मेरु पर्वत है तो यहाँ सूर्य चंद्र आदि है ये घूम रहे हैं, फिर यहाँ दूसरे देव देवी देवता जो है यहाँ पर भी रहते हैं, और ये हमारी जो पृथ्वी है इसके नीचे भी यहाँ पर भी देवता रहते हैं, उनका भी स्थान है अलग अलग। तो ये सब आ गए सब, लेकिन ये आप देखेंगे इतना ही देवलोक कहलाता है। आप इसको स्वर्ग नाम दीजिए, ये हेवन के रूप में है। तो यहां पर जाना है, अब मनुष्य यहां से जाएगा, तिर्यंग पशु पक्षी यहां से जाएगा, कोई नरक के नारकी तो नहीं जा सकते हैं। ये सब यहां पर भी जो है ये देवता, कल कोई व्यंतर जाति के देवता है, वान व्यंतर की जाति के देवता है वो भी देवता है, ये जिनको आप कहेंगे कि ये ज्योतिष के देवता है। इधर स्वर्ग में जो आएंगे ये वैमानिक कक्षा के देवता यहां पर है, क्योंकि डिवीजन बने हुए हैं ना। अब ये बहुत बड़ा देवलोक है, असंख्य देवी देवता है, असंख्य। मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है, मनुष्य का एरिया ही इतना सा है, क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ ढाई देव समुद्र का एरिया, लेकिन देवलोक तो बहुत बड़ा है। कितना है ये देवलोक? ये 7 राजलोक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके ये जो है 7 राजलोक है, बहुत बड़ा देव, बहुत बड़ा है। तो देव गति उपार्जन करने वाले तो असंख्य लोग हैं, मनुष्य गति उपार्जन करने वाले लिमिटेड है। अरे ख्याल में, तो देव गति इज नॉट दैट मच प्रीशियस एंड नॉट दैट मच वैल्यूएबल। मनुष्य ह्यूमन लाइफ इज द मच मोर वैल्यूएबल, मनुष्य गति श्रेष्ठ बताइए। क्यों बताएं? आप निद्रा करोगे, कर्म क्षय करोगे, कल मोक्ष में जाओगे आप। ये सब साधन धर्म आराधना करने के लिए मनुष्य श्रेष्ठ है। देवी देवता तो वहां एक सामायिक भी नहीं कर सकते हैं, मनुष्य सामायिक तो कर सकता है ना। देवी देवता वहां पर एक नवकार से आबिल आकाशना पचकान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इनके पास भी वहां पर बहुत बड़ी लाइफ, मनुष्य कर सकता है रोज की 2 घड़ी की सामायिक करना है, व्रत पचकान करना है, नवकाशी करना है, अमिल उपवास करना है, उपवास एकाशना करना है, तो मनुष्य कितना कर्म क्षय कर सकता है। तो देवताओं की अपेक्षा ह्यूमन लाइफ इज मच मोर वैल्यूएबल लाइफ, बहुत कीमती लाइफ। लेकिन अब जो मनुष्य को यहाँ से देव गति में जाना है,
अब वो इसमें जाना चाहता है, इसमें जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। अब जैसे कर्म उपार्जन करे, अब कल वो और ऊपर जाकर के वैमानिक की कक्षा में जाना चाहता है। जहां जाकर के जाना है तो गति आपको यहाँ तैयार करनी पड़ेगी उपार्जन, और फिर आयुष्य उतना उपार्जन करना पड़ेगा, तब जा करके कोई यहाँ पहुंच करके 20 सागरोपम तक रह सके, कोई 10 सागरोपम तक रह सके, असंख्य वर्षों का जीवन वहां पर जी सके। नीचे आएंगे तो फिर जीवन कम हो जाएगा, लाइफ स्पान ही कम हो जाएगा। तो यहां से लेके जाना है मनुष्य, अगर यहां पर मनुष्य ये आयुष्य बांध रहा है, और मनुष्य को अगर देवलोक में जाना है यहां से मनुष्य को, तो ये जो मनुष्य का जीवन है वो यहां से आयुष्य बांधेगा, गति उपार्जन करेगा तो लेकर के जाएगा, तो वहां रहेगा, नहीं तो नहीं। तो ये करना है मनुष्य को। तो यहां पर ये मनुष्य का लाइफ कितनी ऊंची है, अब मनुष्य अपना जीवन ये जी रहा है, अब ये जीवन जीते जीते यहां मृत्यु होने वाली है, और ये मनुष्य यहाँ पर जो है जन्म लेकर के अपना जीवन जो जी रहा है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अब यहाँ पर आकर के उसको देव गति का आयुष्य उपार्जन करना है। स्थान तो यही है सबके लिए, आयुष्य तो यही बांधना है। आयुष्य के पहले गति बांधनी है, उस हिसाब से कल आप जो आयुष्य बांधेंगे, कोई कल ऊपर तक जाएगा, कोई यहाँ तक जाएगा, कोई यहाँ तक जाएगा, कोई यहाँ तक जाएगा, कोई यहाँ तक जाएगा, तो इतने में उसको जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे जाकर के वो देवगति का आयुष्य बांधेगा, क्या करेगा तब जाकर के देवगति का आयुष्य उपार्जन करेगा। जैसे अभी हमने देखे चारों गतियों के जो व्यू पॉइंट्स है, रीजंस है, वैसे ही देव गति के। लेकिन पहले आप एक रियल बेसिक प्रिंसिपल तो समझ लीजिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा कोई देवलोक का देवी देवता यहाँ से मर के यहाँ नहीं जाएगा, कोई देवी देवता यहाँ से मर करके यहाँ नहीं जाएगा, देवता कोई देव गति का आयुष्य नहीं बांधेगा, दिस इज परमानेंट प्रिंसिपल। बोलिए सविता बहन, आपको ख्याल आया द परमानेंट प्रिंसिपल क्या? कोई भी देवता मर के फिर से देव गति में नहीं जा सकते। हाँ, तो देव गति का आयुष्य कोई देवता नहीं बांधेगा। नंबर टू विजय भाई, नरक का नारकी जीव कोई देव गति का आयुष्य बांध कर देव गति में नहीं जाएगा। ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गए, दो परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल। बोलिए शांति भी बोलेंगे, जस्ट रिपीट द सेंटेंस ओनली, बस और कुछ नहीं है। आपने कहा कि जो नरक में है, नरक गति में, वो देव गति में नहीं जाएंगे। आई थिंक उनको मनुष्य गति के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है, बाद में भले जाए, यहाँ आकर मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, बाद में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो चार गति में से दो तो टल गए। देवी देवता रिपीटेडली मनुष्य आयुष्य नहीं बांधेंगे, और नरक के नारकी नहीं जाएंगे, तो दो के तो दरवाजे बंद हो गए, तो जाने वाले कौन बचे? बोलो नवीन काका, जवाब वाला कौन बचे? अवे मनुष्य ने पिरियंश, अब दो को ही जाना है। अब मनुष्य भी देवगति में जाए, तिरियन पशु पक्षी भी जाए, जो जाएंगे वो यहाँ पर आकर के अपनी लाइफ के एंड में गति बांधेंगे, आयुष्य बांधेंगे। तो मतलब ये हो गया ना कि एक एनिमल भी जा तो सकता है कि नहीं? द काउ, वन काउ विच इज गिविंग द होल मिल्क ऑफ अवर लाइफ ओनली सी थ्रू आउट द ह्यूमन बींग। मनुष्य के लिए एक गाय, एक गाय अपने शरीर का दूध बच्चों को दे करके पिला रही है, तो वो गाय कितने बरस जिएगी? 20 बरस 25 बरस की उसकी लाइफ है, तो 25 बरस की लाइफ में गाय ने कितना पुण्य उपार्जन किया कि वो देवगति में जा रही है।
एक गाय जा रही है, एक हॉर्स जा रहा है, एक डॉग जा रहा है, अगर वो भी जीव है तो जा रहे हैं, कोई ना थोड़ी है उनको, वो जीव है, वो अपना पुण्य उपार्जन करेंगे जाएंगे। मनुष्य गति में बैठा हुआ मनुष्य भी जाए, और कल कोई मनुष्य नरक में जाए, वो गाय को काट कर खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो वो कल जा करके नरक में भी जाए, और एक गाय मर करके स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि गाय तो अपनी पूरी लाइफ में कभी नॉनवेज खा ही नहीं सकती। गाय नहीं खाएगी, हॉर्स नहीं खाएगा, जिराफ नहीं खाएगा, एलिफेंट नहीं खाएगा, डोंकी भी नहीं खाएगा, मंकी भी नहीं खाएगा। सो मैनी एनिमल्स दोज आर प्योरली 100% वेजिटेरियन एनिमल्स, नेवर इन देयर लाइफ। जाओ आप किसी को खिला के देख लो, जबरदस्ती भी करोगे तो भी नहीं खाएगा, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे जीव देव गति उपार्जन करके देव गति में जाएंगे, समझेंगे। अब मनुष्य यहां से जाए तो उसके लिए टर्म्स कंडीशन क्या है? सराग संयम, कुछ उसके पास व्रत वृत्ति पचखंड नियम होने जरूरी है, थोड़े बहुत भी, जो भी थोड़े थोड़े कुछ उसके पास सराग संयम हो। अब वो सन्यासी भी बना है, बाबा भी बना है, फकीर भी बना है, अगर कुछ उसके जीवन में अच्छे संस्कार है, संयम जीवन के व्रत वृत्ति पचखंड के, तो वो जरूर जाएगा, कोई ना नहीं है। सुने अविरत सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुण स्तन पर आ गए, देवगुरु धर्म की श्रद्धा उसकी अच्छी है, भगवान की भक्ति अच्छी कर रहा है, जाएगा देवगति के अंदर। देशवृत्ति वाला श्रावक हो, व्रत पचखान ले रहा है ना, तो देशवृत्ति वाला जीवन हो, श्रावक जीवन हो, तो भी देवगति प्राप्त कर सकता है। कल जाकर के संयम जीवन के अंदर आए तो भी देवगति प्राप्त कर सकता है। कल जाकर अकाम निद्रा करे तो भी देवगति उसको प्राप्त हो सकती है, कोई ना नहीं है। छठे गुणस्थान पर आए, व्रत नियम पचकान करने वाले साधु साध्वी, हाँ भले वैमानिक कक्षा की ऊंची गति में देवगति में जाए, ऐसी बात नहीं है, समझे कि नहीं। अब कोई अकाम निद्रा कर रहा है, बाल तप कर रहा है, छोटे बच्चे भी नहीं करते हैं क्या, अट्ठाई कर लेते हैं, अट्ठम कर लेते हैं, बाल तप भी कर रहे हैं, भले कोई लंबी समझ नहीं है लेकिन अपनी काया से तप तो कर रहे हैं ना। अब इस तरह से अज्ञान से कष्ट भी सहन कर रहा है, कई सन्यासी है, बाबा है, फकीर है, कई तप करते हैं, वो सहन करते हैं, तो उनकी भी देवगति हो सकती है, कोई ना नहीं है उनके लिए भी। अब इसी तरह से कोई दुख गर्भित, कोई मोह गर्भित से संसार छोड़ तो देते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं, जैन साधु बने या अन्य धर्म के साधु संत बने, तो दुनिया की कई पाप प्रवृत्ति से बच जाते। अब वो भी कल यहां से देव गति उपार्जन करके, देव आयुष्य उपार्जन करके जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपको जो है बड़ा बड़ा आयुष्य लेना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा बड़ा आयुष्य। तो जितना ज्यादा बड़ा बड़ा आयुष्य लेकर के जाना है, तो वो यहां उपार्जन करना है आपको पहले, वो यहां बांधेंगे तो ही आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकोगे, ये भी इतना ही है। तो यहां से जब ऊपर जाना है, जितने ऊपर, या आप यहां से नीचे जाना चाहते हो, मतलब व्यंतर आदि जात के अंदर जाना चाहते हो, तो फिर कम रहेगा। यहां से आप ज्योतिष के मंडल के अंदर जाना चाहते हो तो व्यंतर से तो ज्यादा ही रहेगा, ये प्रमाण इसके अंदर देखना है। आप वैराग्यवासित बनो, शुभ ध्यान वाले बनो, आप भगवान की भक्ति करो, दान पुण्य करो, मंदिरों में जा रहे हैं, आप किसी के लिए पढ़ाने के, बच्चों को पढ़ाने के लिए डोनेशन दे रहे हो, आप किसी के लिए खाने पीने के लिए डोनेशन दे रहे हो, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट में आप डोनेशन दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ये सब आपको पुण्य उपार्जन कराने वाले, क्योंकि देव गति जो है वो ऊंची सदगति है, तो मेरिट तो अच्छा प्लस पॉइंट चाहिए ही चाहिए, साथ जीवन में अच्छा पुण्य उपार्जन किया हुआ होगा तो ही पॉसिबल होगा। जो लोग सेवा व्यावच करने वाले हैं उनकी भी अच्छी सदगति होती है, सेवा वैयावच है, चाहे
अब गरीबों की सेवा करो तो भी पुण्य है, आप विरक्त चारित्र पात्र आत्माओं की सेवा करो वो भी आपका अलग से पुण्य है। ये करने वाले वो अपनी तरह से ऐसा पुण्य उपार्जन करके जा सकते हैं। अब जो अच्छी जैना का पालन करे तो होगा, जो शोक संताप डिप्रेशन मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन को घटा करके न्यूट्रल लाइफ जीता है उसकी भी जो है आयुष्य के अंदर अच्छी यहाँ उपार्जन कर सकता है। आप स्ट्रेस एंड टेंशन में जियोगे, अर्थ ध्यान करोगे, अब वरिड नेचर में रह करके टेंशन में चिंता करके तो फिर तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा घटाना है फिर हमको यहाँ पर बढ़ाना है आगे। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि आप कर्म की थियोरी का बेसिक प्रिंसिपल सीख लेंगे समझ लेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा, बहुत जल्दी सर ये फायदा जरूर होना चाहिए। समझे, अच्छी बात है कि जो गुणानुराग हो सर, किसी के लाइफ में उसके गुण देख करके उसको बहुत अच्छा आनंद आता हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा है सर, गुणियल व्यक्ति गुणानुरागी व्यक्ति को देख करके हमको आनंद आए, गुण का पक्षपाती बनता है वो अपनी लाइफ में फायदा है। ऐसे लोग देवगति का, देवलोक का और देवगति का आयुष्य उपार्जन कर सकते हैं। तो ये भी हमको समझना है, समझे कि नहीं। तो इसमें जो है अब जिन लोगों के अंदर जो है करुणा है, अनुकंपा है, गायों के लिए भी डोनेशन करते हैं, कोई प्राणी एनिमल्स है तो उनके लिए भी जाए। अब वो बच बैठे हजारों लाखों माइल दूर बैठ के वहां से जो है आकर के डोनेशन करके जाते हैं। ये भी इलाबेन जी यहाँ पर एक महीने के लिए इंडिया में आए थे, रहे थे, अभी आकर के गौशाला के अंदर भी इन्होंने 7 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे। कोई भी जो आप लोग भी कोई दे रहे हो कहीं से भी आकर के, अब आप कहाँ बैठे हो और यहाँ गौशाला चलती है, यहाँ पर स्लॉटरिंग के लिए जाती है, तो उनको बचा करके हम यहाँ विद्यालय में रखते हैं। अभी हम यहाँ पर पुनः आए हुए हैं, विद्यालय की भूमि पर यहाँ तीर्थ है और नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे पर ऐसी ट्रकें भर भर करके स्लॉटर हाउस जाती है, यूज बड़े स्लॉटर हाउस जो बने हुए हैं। अब पर डे कैपेसिटी ऑफ स्लॉटरिंग दे हैव द 10,000, 15,000, 20,000 काउस बफेलोस गाय सब मर। इंडिया में नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काउ स्लॉटरिंग नहीं करने का एक रूल्स बनाया हुआ है, लेकिन अब आप जानते हो कि कितने परसेंटेज पालन होता है, उसके लूप पोल्स बहुत होते हैं, तो पकड़ के चला रहा है। कल यूपी के अंदर जो है ये अभी जो है यूपी के अंदर योगी जी आए हैं, तो कल परसों ही उन्होंने पकड़ के इलीगल पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्री पूरी पकड़ी है कि जिसके अंदर 30 टन तो जो है उनको बीफ और मीट मिला है, इलीगली चला रहे हैं, चोरी छुपी से कर रहे हैं, प्राणियों को ला के काट के मार करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सब पाप ही तो है, अब भारी पाप करने वालों के लिए तो नरक है ये सब, लेकिन उन प्राणियों के लिए अनुकंपा जो है, दया चाहिए अंदर दिल में, एक हमारे अंदर भाव हो करुणा को, हम कैसे इन जीवों को बचाए, ये जीव तो हमारे इंसान के आधार पर जी रहे। वन डॉग एक आप देखिए कुत्ते जो है वो कितने वफादार होते हैं इंसान, तो उसका जीवन तो हमारे पर है ना, वो कहाँ से खाएगा क्या खाएगा। एक आप देखिए पिजन जो है कबूतर वगैरह शाकाहारी प्राणी है, वो अनाज ही खाएगा सब, गेहूँ चना ही खाएगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी अनुकंपा से दान पुण्य करने वाले वो जो है देव गति का अच्छा आयुष्य उपार्जन कर सकते हैं, देव गति में जाते हैं। और इस तरह से जैसे यह बताया अच्छे गुण हो, वंदन आदि नमन आदि के गुण हो, आप लोग करते हो विजय भाई सविता जी ये गुरु वंदना करते हैं तो ये भी आपके गुरु गुण वंदन की क्रिया है। ऐसी शुभ क्रिया करने वाले जो है वो इस प्रकार से शुभ आयुष्य बांध करके जाते हैं, वो भी अपने साथ लेकर के जाना है। मैं आज यहाँ पर आयुष्य कर्म ही फिनिश कर देता हूँ, क्लास भी फिनिश हो रही है और नेक्स्ट सैटरडे से हम नया सब्जेक्ट लेकर के क्लासेस चालू करेंगे। आप लोगों को कोई इच्छा हो तो यू कैन सजेस्ट द सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से चलाएंगे, नहीं तो एक एक कर्म का जो चल रहा है तो उस कर्म के हिसाब से भी दूसरे सब्जेक्ट लेकर के चलाएंगे।
हाँ जी विजय भाई, अभी थोड़ी 10-12 मिनट है, बोलिए। एनीबडी दोज़ हू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। मथिन मंदामी बाबूजी, सो हम जब बोलते हैं कि जैसे आत्मा तो बस ऐसे ही घूमती रहती है, राइट? सिर्फ सिद्ध जब हो जाता है तो उनके जन्म मरण रुक जाते हैं। घूमती रहती है क्यों बोला? मतलब जैसे आत्मा अलग से कोई नई आत्माएं नहीं आती, राइट? जो हम जो चल रहा है वही घूम रहा है जैसे सभी जगह। तो फिर ये पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कि क्या ज्यादा मनुष्य बन रहे हैं, मतलब ज्यादा आत्माएं मनुष्य जीवन में आ रही है इस तरह से? आपको लग रहा है ज्यादा, बट इन कंपैरिजन विद द हेवनली डिटीज एंड गॉड एंड गॉडेसेस, उसकी कंपैरिजन में क्या ज्यादा है? वो असंख्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है असंख्य, और ह्यूमन बींग तो खाली इतना मनुष्य का क्षेत्र है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ज्यादा हो गई, कभी ज्यादा लगने से लगता है कि इतने ज्यादा, जो भी। अब नरक में असंख्य नारकी है, तिर्यंच गति के अंदर अनंत तिर्यंच के जीव अनंत है, और मनुष्य देव गति में असंख्य, तो मनुष्य के अंदर तो कितने आए सोचिए। उस समय महाभारत के अंत काल में बोलते हैं इतने बड़े लाखों करोड़ों की संख्या में मरे, तो उस समय पॉपुलेशन नहीं था क्या उसके पहले? ये तो कम ज्यादा होना, ये तो होता ही रहेगा। तो लेकिन जितने प्रमाण में होता है तो मनुष्य गति में आता है तो मनुष्य का पुण्य लेकर के तो आ रहा है, लेकिन वो पुण्य है कितना? लेकिन एक प्लस पॉइंट का पुण्य, बाकी के सब क्या है? आज जो है आप चले जाइए अफगानिस्तान के अंदर, कितने करोड़ों की संख्या है, 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन अफगानिस्तान में, बोलिए 2.5 करोड़ जो है निकाल लो श्रीलंका सिलोन में है, खाने को नहीं मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के अंदर वो भी ह्यूमन बींग, मनुष्य ही कहलाएंगे ना, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग, लेकिन वो रोज किसी को मार के ही खा रहे हैं सर। अब नया करेंगे वो क्या होगा सर? अब आज आप सर्वे कर लो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स एंड प्रॉपरली वेजिटेरियन पीपल्स एंड वेगन पीपल्स, अब तीनों में परसेंटेज से आप सर्वे करो, आपको पता चलेगा कितने लोग। अब चाइना का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना में सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग भी तो बहुत ज्यादा है ना। अब वो मनुष्य गति है, आए हैं मनुष्य गति में रह रहे हैं, लेकिन लाइफ कैसी है उनकी, बोलो आप समझ लो। बोलिए निखिल भाई। हाँ साहब जी, तो वो जो आपने बोला मनुष्य गति में है, चाइना में है, बट वो दर्शन दर्शनावरणीय कर्म बहुत उन्होंने बांधा है, तो वो दर्शन ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना? इसीलिए मनुष्य है पर जैन धर्म नहीं मिला है, या तो उससे मतलब नहीं। आप उधर मत जाइए, दर्शन और दर्शन उधर मत जाइए, अभी गति और आयुष्य। आज उनको मनुष्य गति मिली है, नो डाउट, पुण्य प्लस पॉइंट का पुण्य है तो मनुष्य में आए हैं, नरक में नहीं गए, मनुष्य में आए हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट का पुण्य तो है ही। लेकिन अब क्या करेंगे? अब 50, 40, 60, 70, 80, 90 का जो लाइफ पूरा करके अब क्या करेंगे? जब इतना पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। ये हमने आज क्या चार, लास्ट टाइम में 2 गति का, तिर्यंच और नरक गति का, और आज हमने देख लिया मनुष्य और देव गति का। आयुष्य बंध के कारण हमको सबको आयुष्य बांधना है, सबको आयुष्य बांध करके ही मरना है, लेकर जाएंगे तो ही, तो उसके अंदर सबके कारण बता दिए, ये आपके दिमाग में से निकाल दो कि ऊपर वाला गॉड एंड गॉडेस ईश्वर वो आपको चिट्ठी दे देगा कि जाके 100 बरस जीना, 60 बरस जीना, नॉट लाइक दैट। अदर रिलीजन एंड अदर फिलोसॉफी दिस हु आर बिलीविंग इन अ डिफरेंट वे, बट व्हाट द जैनिज्म सेज दैट दीज आर द फैक्ट्स। आपके हाथ में बाजी है, आपको यहाँ से यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ, आपको यहाँ से चारों गति के दरवाजे खुल रहे, किधर जाना है, कहाँ जाना है, आप किस गति का आयुष्य बांट सकते, नाउ इट इज इन योर हैंड। मैं क्या करूंगा तो कैसा आयुष्य बांधूंगा, मैं क्या करूंगा तो कैसी गति उपार्जन करूंगा, मेरे बांधे हुए कर्म के अनुसार मेरी गति होगी, मेरा आयुष्य होगा, उतने बरस मुझे जाकर जीवन जीना होगा। बोला
हाँ बोलिए। अपने फूड का बोला आगे ये लेक्चर में, फूड थ्रोइंग का, तो अगर फेंक देते हैं बहुत व्यय होता है पार्टियों में, यू नो शादियों में ऐसा, तो उसे तो अच्छा खिला देना चाहिए। अभी मुझे एक क्वेश्चन हमारे घर के बारे में था, हमारे घर में, मेरे घर में यहाँ पे बहुत सालों से मेरी वाइफ ने प्रैक्टिस आ ली है कि काम कम बनेगा तो चलेगा, खाखरा और वो चाय उससे चला लेंगे, बट फेंकना ना पड़े या तो दूसरे दिन यूज ना करना पड़े, क्योंकि वो वासी वासी फूड हो जाएगा। अभी कभी ऐसा हो गया साहब जी के थोड़ा ज्यादा बन गया और दूसरे दिन तिथि है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम वो पास ही नहीं रखते हैं। अरे खिला दो ना किसी को ले जा करके। साहब जी यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ के गाय या कुत्ता कुछ आता नहीं है, बेगर्स भी नहीं होते नहीं, नहीं साहब यहाँ पे कुछ नहीं। तो फिर तो फिर आपको बताना ही नहीं चाहिए, पड़ोस में ले जाकर किसी को खिला दो, किसी को को गेस्ट बुला करके खिला दो सा, अने कहीं ना होए तो विजय भाई ने जम्मा घरे बोला हो। सर जी दूसरा क्वेश्चन ये था, तो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था निकाचित कर्म का, फूड इज इट ट्रू के हम जब फूड खाते हैं और बहुत प्रेस करके खाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत रस लेके खाते हैं तीव्र, तो निकाचित कर्म का बंद होता है, ये सच बात है सर जी? देखिए निकाचित कर्म के लिए सभी कर्मों का है, एक कर्म के लिए नहीं है ऐसा, खाते पीते है कि निकाचना में सबसे ज्यादा है क्लेश कसाय में, राग द्वेष में चला है कि नहीं, मैक्सिमम जो है उसी के कारण है। अब उसकी एक्टिविटी आप कौन सी कर रहे हैं वो अलग चीज है। समझ गया सर, तो कोई भी कर्म की तीव्रता बढ़ गई तो निकाचित खाने पीने के साथ मत जोड़िए, क्रिया प्रवृत्ति कोई हो, राग द्वेष क्लेश कसायों की तीव्रता बहुत ज्यादा हो तो पहले यही परिणाम, और फिर उसमें निकाचित करके उस पर्पज से उसके साथ, मैं तो इसको अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा 10 लाख नहीं दिया है मैं इसको 10 जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा, ये निकाचित हो गया, ऐसे निकाचित हो गया। वीणा बेन आपको प्रश्न था? बच्चन वंदा भी साहेब, आपने बोला, आपने कहा कि वो जो करोड़ों बच्चे का एबॉर्शन हो रहे हैं 1 और 2 मंथ में, उसने पहले जन्म में तो प्रयत्न करके मनुष्य का गति बांधी, अभी ये 2 महीने के गर्भों में भी उसका हो जाता है, तो अभी वो कैसे, उसकी गति कैसे होती है? वो नहीं जाता है, पर्पसली करते हैं। हाँ हाँ वो कोई हो जाए तो मिस कैरेज बोला जाता है, ये तो पर्पसली जो है जब मारा जाता है, अब वो जीव मरने वाला उसकी गति तो होने वाली, वो माता के गर्भ में है आपको लगता है, लेकिन उसके मन चल रहा है, विचार चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, कसाय चल रहा है, कर्म बांधने की पूरी कैपेसिटी है वो। आप शरीर से मत सोचिए कि माता के गर्भ में 2 महीने का है तो क्या करेगा क्या नहीं, वो जीव अंदर है, आत्मा पूरी तरह से विकसित है और आत्मा पूर्व भव से अपने कर्म लेकर आई है, अब उस समय उसको नया बांधना है तो वेदना पीड़ा तकलीफ जो मारे उसके प्रति और वो कर्म उसका बंध, फिर गति करे बांधेगा आयुष्य बांधेगा तो ही मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, वो कंपल्सरी हो गया उसको, मरने के पहले उसको गति आयुष्य बांधना है फिर मरेगा वो जीव जाएगा, अब भले चारों गति है कहीं पर भी जाए जैसा कर्म बांधेगा उस हिसाब से उस गति में जाएगा। साहब जी एक प्रश्न, आपने एक बात बताई थी परिणीति की, तो परिणीति की जरा आप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बनती है परिणीति? परिणाम, परिणामों की धारा चला है कि नहीं, जैसे सम्यक दर्शन क्या है वो परिणति वाला गुण है चला है, तो वो परिणाम की धारा, कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे राग द्वेष नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति नौबत आ जाए मुझे ये क्लेश का सहन नहीं करना है, मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, मेरी श्रद्धा सम्यक दर्शन की बनी रहेगी, ये जो अपनी परिणामों की धारा बनती है वो परिणति, प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, परिणति जो है उसको बना के रखिए, टिका के रखिए, वो फायदा है।
वो कैसे दृढ़ बन सकती है? हाँ, दृढ़ बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? हमारा फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, ऐसी परिस्थिति आए कि ऐसी परिस्थिति आए, परिस्थितियां बदलेगी, हमको अपने परिणामों की धारा, वो अपने फर्म डिटर्मिनेशन डिसीजन पर है। चाहे कैसे भी नौबत आए मैं नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी परिस्थिति आए मैं नहीं उतरूंगा, मैं इससे इस लेवल से नीचे नहीं उतर जाऊंगा, ये बात जी। महाराज जी थैंक यू। और कोई प्रश्न न हो तो एक क्वेश्चन पूछी सको? गति ने लगतो छे, लास्ट क्वेश्चन सॉरी मिच्छाम दुकड़न साहब जी, आप पूछा मत पड़। अपने नौकर मंत्र नु आगड़ में पूछो तो क्वेश्चन थोड़ा वीक पहला के 108 मणकणी माणा गणी तो 54,000 सागरोपम नु पाप कर्म दूर થાય છે। હવે એક નોકર પૂરો ગણીએ તો 500 સાગરોપમ, હવે ઘણા ફક્ત પાંચ જ પદ ગણતા હોય છે, નમો લોય સબ સણ તકી ગિનતે, તો વો તો ગેરફાયદો હોગા ના સાહેબજી? 500 સાગરોપમ કા પૂરા નહીં મિલેગા वहां पर उन लोगों ने अपने अपने संप्रदाय की मान्यता बना ली है, तो उसका कोई रास्ता नहीं है ना अपने पास। यहाँ पर जो विधान लिखा है वो 68 अक्षर का मैथमेटिक करके लिखा है, तो वो मैथमेटिक करके उन्होंने बताया तो 500 सागरोपम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर, 68 अक्षर लिखेंगे, 9 पद लिखेंगे, 8 संपदा लिखेंगे, टोटल अक्षरों की गिनती में लघु अक्षर कितने, दीर्घ अक्षर कितने, उनका कैलकुलेशन करके 500 सागरोपम होता है। ये किसका लिखने का है, ये शब्द लिखे किसने? भद्रबाहु स्वामी महाराज ने लिखे हैं, जो आज से 2200 साल पहले हुए हैं, महावीर स्वामी के 350 वर्ष बाद हुए हैं, जिस समय ये संप्रदाय नहीं थे। ये संप्रदाय तो निकले हैं तो अलग अलग सबको मालूम है कि भाई किस समय निकले, कितने बरस हुए हैं, समझे कि नहीं? तो ये जो लिखे हुए हैं उस समय इतने लंबे काल तक नवकार चला, तब क्या चला? आदिनाथ भगवान के काल तक नवकार चला, पार्श्वनाथ भगवान के काल में नवकार चला, 2400 तीर्थंकरों के काल में नवकार तो पूरा चला, कोई दूसरे पद बना करके तो किसी ने जोड़ नहीं दिए। इतने 2400 तीर्थंकरों के काल में नवकार चला है और इतने वर्षों तक चल रहा है, तो अब कोई संप्रदायवाद ला करके उसको घटा दे तो वो कैलकुलेशन, फिर वो गणित नहीं बैठेगा, बस बात इतनी सी है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोए सर्वसाहुनम, एसो पंच नमो कारो सर्वभावपणासनम, मंगलानं च सर्वे सिंपणमं अवै मंगलं, मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं, चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पन्नतो दम्मो मंगलं, चत्तारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो दम्मो लोगोत्तम, चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनम्। साहब जी मथेण वंदामी करते हुए बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं सभी, और आपकी सुख साता चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद सबको। आता मरे जो साहब जी मथेण वंदामी, साहब जी ट्राई कर जो ना, आते वक्त थी 14 राज लोक समझावानु ये विषय चालतो है ने, तो आपने करिए ना, तो आप कीधु ने के हवे नवू लेवू छे आ वक्ते, हवे आवते वक्त એટલે કહું છું આ કર્મના વિષય લઉં કે કેવી રીતે રાખું છું? જૈના લોકો જે નક્કી કરે, આ તમે કીધું આવતી વખતે, તમે કીધું નવું લેવું છે એટલે મને 14 રાજ લોક નું સમજાવો તો વધારે સર. વિલ ટેક ધ પ્રેફરન્સીસ ઓર ફિર આગે વિલ ડુ ધેટ સુનિતા જી. ઓકે
और कोई सबको जय जिनेंद्र विल एंड द टॉपिक प्लीज 11:15 नेक्स्ट टाइम. सविता जी आपको कुछ कहना है? अच्छा थैंक यू सब. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. यस थैंक यू जय जिनेंद्र.